नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2 जुलाई 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप जनवरी 2023 से जून 2023 तक की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की कंप्लीट ई बुक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस ई बुक में 20 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, तो उनसे संबंधित जानकारी और फोटो भी ऐड है। और जो ये ई बुक है, इसका डेमो पीडीएफ का जो लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करके आप इस पूरी ई बुक को देख सकते हैं। इस ई बुक को आप मात्र 29 रुपए में खरीद सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था कि झूला दरवाजा किस शहर में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर ए, रीवा में। जो झूला दरवाजा है ये रीवा शहर में स्थित है। इसके अलावा हिंडोला दरवाजा ये ग्वालियर में स्थित है, खूनी दरवाजा चंदेरी में स्थित है, और सांची द्वार ये रायसेन में स्थित है, और जो बुंदेली दरवाजा है ये रीवा शहर में स्थित है। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हमारा प्रश्न है कि मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन है बेतवा नदी, शिप्रा नदी, बेन गंगा नदी या माही नदी। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका जो सही उत्तर है ये आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। मुझे पिछले 2-3 दिन में कमेंट आए हैं कि सर, जो आप प्रश्न पढ़ते हैं उसके बाद सीधा आंसर बता देते हैं तो हमें उसका सोचने का ही मौका नहीं मिलता। तो आप प्रश्न पढ़ने के बाद जो ऑप्शन है उन्हें भी पढ़ा करें, ताकि हम समझ पाए, खुद से अंदाजा लगा पाए कि जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा, बाकी फिर उसके बाद उसका सही उत्तर बताया करें। तो अब से हम ऐसा ही करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 10वीं GFG राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है। हमारे ऑप्शन है जबलपुर में, ग्वालियर में, सिंगरौली में या अशोकनगर में। तो जो सही उत्तर है इसका यह है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश स्टेट जो राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में जो 10वीं GFL राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता है, इसका आयोजन जबलपुर में किया गया, और इस राइफल शूटिंग में विपिन और ग्रीष्मा ने 2 कांस्य पदक भी जीते हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में जबलपुर शहर में 23 जून से लेकर 29 जून तक 10वीं GFG राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और इस प्रतियोगिता में जो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी है इसके 14 शूटर ने भाग लिया था, जिसमें 9 शूटर ने फ्री नेशनल, ये फ्री नहीं होगा ये प्री होगा, प्री नेशनल एवं नेशनल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इस प्रतियोगिता में जो विपिन है और ग्रीष्मा है, इन दोनों ने 1 कांस्य पदक भी जीते हैं। ये एक राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता थी। हमारा अगला प्रश्न है C20 सेवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है इंदौर में, सागर में, रीवा में या भोपाल में। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। आप देख सकते हैं कि 2 दिवसीय C20 सेवा सम्मेलन का आयोजन ये 1 तारीख को शुरू हुआ था भोपाल में। तो 1 और 2 जुलाई 2023 को भोपाल शहर में जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर C20 सेवा कार्यकारी समूह का जो सेवा सम्मेलन है यह आयोजित किया गया, और इसका जो शुभारंभ है यह मध्य प्रदेश के जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मंत्री हैं, यानी कि जो MSME विभाग मंत्री हैं, श्री ओम प्रकाश सकलेचा, इनके द्वारा किया गया। इससे पहले भोपाल शहर में 16 और 17 जून 2023 को G20 के कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चरल थीम पर साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। इससे पहले 13 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक इंदौर शहर में G20 की जो कृषि कार्य समूह की प्रथम बैठक थी, इसका आयोजन किया गया, और G20 का जो विशेष सम्मेलन है Think20 ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ वैल्यू एंड वेल बींग, इसका आयोजन भोपाल में किया जा चुका है। और खजुराहो में 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2023 तक G20 के संस्कृति कार्यकारी समूह की प्रथम बैठक का आयोजन भी जो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर है, यहां पर किया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में नवग्रह कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो हमारे ऑप्शन है खंडवा में,
खरगोन में, उमरिया में या बड़वानी में? तो इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर बी, खरगोन में। आप देख सकते हैं इस पर ऑफिशियल कटआउट भी है श्री शिवराज सिंह चौहान का कि खरगोन का जो नवग्रह कॉरिडोर है इसके लिए 21 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है। तो हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खरगोन जिले में नवग्रह कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 21 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। और इसके अलावा जो सिरवेल महादेव मंदिर है इसका भी कायाकल्प किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में वीरांगना रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक बनाया जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है शहडोल में, जबलपुर में, छतरपुर में या छिंदवाड़ा में। तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। आप देख सकते हैं इस पर श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। और वीरांगना रानी दुर्गावती का जो बलिदान दिवस समारोह का आयोजन है ये शहडोल जिले में किया गया है। जो ये वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस आयोजित किया गया इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और इसमें उन्होंने कहा है कि देश भर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा रानी दुर्गावती जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म का निर्माण भी होगा और रानी दुर्गावती जी पर एक चांदी का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। बाकी ये जानकारी तो मैंने अभी आपको बताई दी है कि 1 जुलाई 2023 को शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस आयोजन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में जेके टायर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तुम्हारे ऑप्शन है झाबुआ में, बड़वानी में, मुरैना में या सीहोर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुरैना में। हाल ही में श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुरैना में जेके टायर प्लांट का उद्घाटन किया है और जेके टायर इंडस्ट्रीज के 312 करोड़ की लागत के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्षमता विस्तार के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। यानी कि जो ये प्लांट है, ये जो है फैसिलिटी सेंटर है, इसके प्रथम चरण का उद्घाटन है। बाकी इसके अन्य चरणों का उद्घाटन बाद में किया जाएगा। अब हम 1 जुलाई 2023 के मध्य प्रदेश करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में शिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भोपाल में 1 जुलाई से 10 जुलाई तक। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मध्य प्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को कितने वर्षों तक संचालित किए जाने की स्वीकृति दी है? तो ये दी गई है आगामी 5 साल तक के लिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित भोज वेटलैंड की 1097 हेक्टेयर भूमि पर्यावरण वन मंडल भोपाल को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है? तो भोज वेटलैंड ये भोपाल में स्थित है और ये मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किस जिले से किया जाएगा? तो इसका जो शुभारंभ है ये 1 जुलाई को शहडोल जिले से किया गया है। श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश के कितने एथलीट खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश के 14 खिलाड़ियों को। तो दोस्तों ये था हमारा 2 जून 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप जनवरी 2023 से जून 2023 की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो जो वीडियो आपके सामने शो हो रही है उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।